Like a Hellcat. मेरे साथ यानी वर्ल्ड क्लास गेमर आरके के साथ आज की वीडियो में, और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आज हम खेलने वाले हैं WCC 2, और यह हम शुरू कर रहे हैं टूर्नामेंट्स, ब्लिट्स टूर्नामेंट। हम नई टूर्नामेंट चालू करेंगे दोस्तों। ये रहा अपना टीम इंडिया जर्सी सिलेक्शन, पहली मैच होगी इंडिया वर्सेस नेपाल वाली। तो चलो शुरू करते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे स्टेडियम एज ए चेन्नई, और हमारा पिच होगा ग्रीन। तो मैंने स्पेंड पॉइंट्स कर दिए। अगर गाइस आप न्यू प्लेयर हो तो आपके लिए एक टिप है कि स्टार्टिंग में आपको गेम में प्लेयर्स के चेहरे बहुत ही भद्दे दिखाई देते हैं। तो आपको ओरिजिनल अगर टाइप कस्टमाइजेशन करनी है तो आपको यहाँ पर कस्टमाइज करके जैसा आपको फेस चाहिए वैसा ले सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का फेस है, ये रोहित शर्मा का है, ये किसका है पता नहीं। विराट कोहली का कहाँ गया भाई, इधर ही था। हाँ शायद यही है विराट कोहली का, हाँ यही है विराट कोहली का। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं फेस वगैरह। तो अब हम गेम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम दो ओवर्स वाली ये टूर्नामेंट खेलने वाले हैं। इसमें हर एक मैच दो ओवर्स की रहती है, और यहाँ जो नोट्स दिए रहते हैं ये ऐसे वाले नोट्स, ये पढ़ना रहता है, ये अच्छे अच्छे टिप्स रहते हैं ताकि हम खेल सके गेम इजीली। तो ये वाली नोट है आज की। वंस यू स्टार्ट द मैच कॉइन्स स्पेंट आर नॉट रिफंडेबल, ये तो सबको पता रहता है। तो चलो गेम शुरू कर देते हैं। तो गाइस गेम चालू हो चुका है और मैं अब टैप टू कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गाइस मैं हेड सिलेक्ट करूँगा। ओ गाइस हम जीत चुके टॉस को, चलो देखते क्या लेना। तो गाइस आई सिलेक्ट फॉर बॉलिंग। तो गाइस नेशनल एंथम ख़त्म हो चुके हैं और अब मेन गेम चालू हो चुका है। तो हमारे पहले गेंदबाज रहेंगे जसप्रीत बुमराह। ये खटारा ड्रोन किसने बनाया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कबाड़ में फेंक दो इसको।
तो बॉलिंग पे आ चुका है जसप्रीत बुमराह, यहाँ पर राइट हैंड बॉलर। क्षेत्ररक्षण फैला हुआ, बल्लेबाज के लिए रन बनाना थोड़ा। मैं ज्यादा कमेंट्री नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कमेंटेटर है। गाइस पहली बॉल पे बाउंड्री मार दिया इनको, क्या करे गाइस। संदेश देना चाहते हैं, पहली गेंद पे ही चौका। तो कमेंटेटर में तुम्हें पहले ही बता दूंगा कि चाहे संदेश जो भी हो, गेम हमारे हाथ में है। तो चलो डायरेक्ट स्टंप पे है बॉल, देखते हैं क्या झंडे गाड़ता है। बहुत अच्छी फील्डिंग, बैट्समैन को आगे। नाइस वन ब्रो। तो चलो अगली गेंद पे जाते हैं। नॉट आउट यार गाइस, हवा में, लेकिन अंपायर की उंगली नहीं, बल्लेबाज सुरक्षित। तो चलो गाइस मैं आपको हाइलाइट्स भी दिखा देने वाला हूँ, हम आज एक ही मैच खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर से पैर पैर गेंद, देखते हैं क्या करेगा। क्या यार, डाउन टू ग्राउंड खेलते हैं, उठा के देते ही नहीं, उसकी वजह से हमें विकेट्स नहीं मिल पाते ज़्यादा। मैं थोड़ी वॉल्यूम कम कर देता हूँ ताकि आपको मेरी भी आवाज़ सुनाई दे सके। तो वॉल्यूम कम, ए मैंने पावर कम नहीं बोला था, वॉल्यूम कम बोला था। शेट यार, गए काम से रे भगवान, अरे गए काम से, नहीं गए नहीं गए, गुड गुड गुड, नाइस फील्डिंग ब्रो। तो चलो यहाँ पर जीरो रन्स, स्ट्रेट गेंद आती हुई पैरों के पास, तैयार हो जा बैट्समैन। और यहाँ पर कैच आउट, नाइस वन, ये सेलिब्रेशंस, हैव सेलिब्रेशंस, ओ ये। तो चलो यहाँ पर पहली विकेट उड़ चुकी है एम क्षेत्रे का, क्या नाम है, जी मेला। हाँ ये जी मेल, ये मर चुका है, ये मेला है, क्या करे। तो चलो मैं अब लेता हूँ बॉलिंग पे मोहम्मद शमी को, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पर मैंने ये ऐसे सेट कर दिया है बॉलिंग को, देखते हैं क्या करता है। ओ नाइस टच, अरे बाउंड्री क्यों छोड़ दी, गेंद को कोई नहीं रोक सकता। ए अंपायर तू तो जरा, और बल्ले का किनारा लगता है और गेंद बाउंड्री, यार सेटिंग करना यार, अंपायर तू भी ना कितना सज्जन है तू, जाने दो, अब हम भी सज्जनों की तरह यहाँ पर डालेंगे गेंद को। ओ वाइड बॉल का इशारा किया, ठीक है भाई वाइड तो वाइड। अब खेल ए मंडल, ये कैसा तारा मंडल है भाई, एक और बाउंड्री छोड़ दी इन्होंने, क्या करूं इनका। बुरा लगता है जब ऐसा कुछ होता है। तो चलो अब विकेट लेने की कोशिश करेंगे, स्टेडियम का शोर भी कम हो चुका है, देखते हैं क्या होने वाला है। ओ क्या सिक्स लगा दिया यार इसने, इस गेंद पर स्वीप किया नजाकत से। टेंशन ना लो दोस्तों, जब हमारी बैटिंग आएगी तब हम इनको दिखाएंगे। चलो फील्ड सेटअप नहीं चेंज कर सकते आप, ओह नाइस ट्राई, आई मीन डाइव। तो चलो हम फील्ड चेंज कर देते हैं, शॉट खेलने के लिए थोड़ा कतराते हुए, कोई रन नहीं इस गेंद पर। यहाँ पर फील्ड सेटअप चेंज हो चुका है कम्प्लीटली, देखते हैं कुछ क्या सामने आता है। और यहाँ पर ओके नाइस बॉल, एक एक रन के लिए अच्छी खासी लड़ाई करनी पड़ रही है। आखिरी गेंद है ओवर का, आई मीन फर्स्ट इनिंग्स का।
ये बॉल इसे अच्छे से खेलने दो। नाइस ड्राइव। इन दोनों ने अपनी टांगों की गति का सही इस्तेमाल किया। तो चलो अब हमारी बैटिंग है, 13 रन्स पर ओवर चाहिए हमें। रोहित शर्मा और शिखर धवन पिच पे है। और यहाँ पे बाउंड्री, सही सजा मिली, लड़के सिर के ऊपर से ब्लॉक कर दिया है सीधा। और इसी के साथ एक अच्छी बाउंड्री और चौका। क्या गर्मा गर्म शुरुआत हुई है, पहली गेंद पे ही चौका जड़ दिया। और यहाँ एक और बाउंड्री, नहीं गेंदबाज को। गाइस ये मैच हम जरूर जीतेंगे, जीतेंगे वही जीतेंगे, इंडिया वाले जीतेंगे। हाँ जरूर होगी, बाउंड्रीज की भी हेड। ओ नहीं, ये सिक्स बैठा है, वो आउट ऑफ स्टेडियम। हाइलाइट्स में इसका डिस्टेंस में जरूर देखना चाहूंगा। बहुत अच्छा खेला बल्लेबाज ने 6 रन के लिए। ओ 124 मीटर्स, ग्रेट। एक कार शॉट, काफी खराब स्पेल जाता है, इनको गेम में वापस आना चाहिए। 18 रन यहीं पर हो चुके हैं दोस्तों। एक और शॉट खेलने का समय है और यहाँ पर परफेक्ट टाइमिंग के साथ एक और सिक्स। कितने हो चुके, 24, कितने को विनर, 26। इसी ओवर में जीत जाएंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, इंडिया वाले जीतेंगे। और जीत लिया है गेम को हमने, क्या अंदाज है जीत के। पहली एक ही ओवर में हमने पूरी मैच खत्म कर लिए दोस्तों। इसी के साथ वी आर द विनर, इंडिया 1/10 विकेट्स दोस्तों, खुशियां मनाओ। बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा। तो अब यहाँ पर सेरेमनी चालू है और यहाँ पर रोहित शर्मा को मिला है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, क्योंकि 28 रन स्कोर किए उसने। अब हम हाइलाइट्स देखने वाले हैं दोस्तों, हाइलाइट्स के लिए तैयार हो जाओ। हाइलाइट्स हमें देखना ही पड़ता है ताकि हम समझ सके कि हमारी गलतियां कहां और कैसे हुई है। अब समय है गेंदबाजी सत्र की हाइलाइट्स देखने का। हाँ गेंदबाजी के वक्त हमसे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो चुके हैं, हमने बॉलिंग को ढंग से नहीं समझ लिया था जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स निकाले थे, पर विकेट भी अच्छी ली थी, कैच आउट। ये जो स्मॉल स्मॉल कट्स देखे इन्होंने स्कोर किया है वो भी हमें ज़्यादा महंगा पड़ने वाला था, पर बैटिंग की वजह से हम जीत चुके हैं दोस्तों, थैंक्स टू रोहित शर्मा। अब हम बैटिंग टीम की हाइलाइट्स देखने वाले हैं दोस्तों, देखते हैं हमने कैसा खेला था। देखा रोहित शर्मा की बैटिंग है दोस्तों, शॉट्स बहुत अच्छे बैठे हैं। तो ये जो हाइलाइट्स है ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि आज के जो शॉट्स बैठे हैं वो सबसे बेस्ट शॉट्स है आई हैव एवर सीन, क्योंकि मैं बहुत साल हो चुके WCC2 खेल रहा हूँ पर कभी मैंने इतने अच्छे शॉट्स नहीं मारे। और ये भी है कि मैंने 10 बार ये गेम डिलीट करके 10 बार डाउनलोड कर लिया है, तो पर मैंने इतने बार गेम खेला है पर फिर भी कभी इतने अच्छे शॉट्स नहीं मारे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता दोस्तों, अगर आपको मुझ पर डाउट आ रहा हो तो आप मेरे दोस्तों को भी पूछ सकते हो। और इसी के साथ, और ये मेरा फर्स्ट टाइम भी था कि बिना एक भी विकेट खोए हमने पूरी मैच एक ही ओवर में जीत ली है। तो गाइस हम हाइलाइट्स वापस नहीं देखेंगे, 169 कॉइंस हमने जीत लिए। तो इसी के साथ गाइस हम मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, अगली मैच खेलने वाले हैं टूर्नामेंट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन। टाटा। और हाँ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो टू एवरीवन, और हाँ घंटा भी बजेगा।